हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं टैरोट रीडर कृतिका मुरियानी। दोस्तों, आज मैं आपके सामने 1 से लेकर 9 नंबर वालों के लिए रेमेडी शेयर करूंगी, जिसको करने से आप अपने ग्रहों को स्ट्रांग कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं 1 नंबर से। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 को हुआ है तो आपका मूलांक होता है 1। 1 नंबर वालों का जो स्वामी होता है वो होता है सूर्य। सूर्य की रेमेडी में आप अर्ली मॉर्निंग में ईस्ट दिशा में फेस करते हुए अगर आप सूर्य को जल अर्पण करते हैं तो वो भी आपके लिए एक अच्छी रेमेडी है। 2nd नंबर पे आता है मून। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 को हुआ है तो आपका मूलांक होता है 2। 2 नंबर का जो स्वामी होता है वो होता है मून। 2 नंबर वालों के लिए रेमेडी है कि अगर आप चांदी के चम्मच या चांदी के गिलास में दूध लेते हैं तो ये एक अच्छी रेमेडी है, या फिर आप अपनी मदर से चांदी की कोई भी चीज़ लेकर अपने पास रखते हैं तो वो भी आपके लिए एक अच्छी रेमेडी मानी गई है। 3 नंबर पे आता है जुपिटर। जुपिटर यानी कि बृहस्पति। जिनका भी जन्म महीने की 3, 12, 21 या 30 को हुआ है तो आपका मूलांक होता है 3। 3 नंबर वालों का जो स्वामी होता है वो होता है बृहस्पति। इसमें आप षष्ठी वाले दिन पीले रंग के लड्डू का दान कर सकते हैं। 4 नंबर पे आता है राहु। जिनका भी जन्म महीने की 4 या 22 को हुआ है तो आपका मूलांक होता है 4। 4 नंबर वालों का स्वामी होता है राहु। इसमें आप आटा और चीनी को मिक्स करके आप चींटियों को डालते हैं तो ये भी एक आपके लिए एक अच्छी रेमेडी है, या फिर आप किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं तो भी ये आपके लिए एक अच्छी रेमेडी मानी गई है। 5 नंबर पे आता है बुध। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या फिर 23 को हुआ है तो आपका मूलांक होता है 5। 5 नंबर का जो स्वामी होता है वो होता है बुध। बुध के लिए सबसे अच्छी रेमेडी यही है कि जो गंगा का बहता हुआ पानी होता है या फिर रेनी वाटर होता है उसको बोतल में स्टोर करके यदि आप अपने घर में रखते हैं तो ये भी एक अच्छी रेमेडी मानी गई है। 6 नंबर पे आता है वीनस। वीनस यानी शुक्र। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 को हुआ है तो आपका मूलांक होता है 6। 6 नंबर का स्वामी होता है शुक्र यानी वीनस। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा परफ्यूम का इस्तेमाल करना है। 7 नंबर पे आता है केतु। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या फिर 25 को हुआ है तो आपका मूलांक होता है 7। 7 नंबर वालों का जो स्वामी होता है वो होता है केतु। केतु वालों के लिए सबसे अच्छी रेमेडी यही है कि या तो आप अर्ली मॉर्निंग में सुबह उठ के अगर आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं तो ये भी आपके लिए एक अच्छी रेमेडी है, या फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करना है। 8 नंबर यानी कि शनि। इसमें आप सरसों के तेल में काले चने को बनाकर अगर आप दान करते हैं तो ये भी आपके लिए एक अच्छी रेमेडी मानी गई है। 9 नंबर यानी कि मार्स। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या फिर 27 को हुआ है तो आपका मूलांक होता है 9, जिसका स्वामी होता है मंगल, जिसे हम मार्स भी कहते हैं। इसमें आपको गुरुद्वारे जाकर सेवा करनी है या फिर आप किसी गरीब को खाना खिला सकते हैं, यही आपके लिए एक अच्छी रेमेडी है।